दरियावद में बैरोड विधायक बलजीत यादव 14 सूत्री मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर सभी विधानसभाओं में पहुंचेंगे। सुबह 8 बजे कोविड स्वास्थ्य सहायक बेरोजगार युवा और किसानों से वार्तालाप करने के लिए दरियावद पहुंचे। स्थानीय युवा व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दरियावद नगर के रावल बाग नया बस स्टैंड से मैराथन दौड़ शुरू हुई, जो मुख्य बाजार से पंचायत समिति तक पहुंची। मैराथन दौड़ के आयोजन में उत्साहपूर्वक दौड़ लगाई गई। इस कड़ी में युवा वर्ग व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैरोड निर्दलीय विधायक दरियावद में युवाओं और कोविड सहायक की बैठक ली। राजस्थान सरकार की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90% से 100% आरक्षण दिए जाने तथा प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग संस्थानों द्वारा की जा रही लूट से जनता को बचाए जाने तथा सरकार स्वयं मुक्त कोचिंग सेंटर चलाए, इस तरह की मांग की गई। सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा सरकारी स्कूलों में सुविधाएं विकसित किए जाने तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने तथा परीक्षा प्रणाली को ठीक किए जाने की जरूरत बताई गई। उन्होंने कहा कि जिस लेवल की परीक्षा हो उसी लेवल का प्रश्न पत्र बनाया जा सके। सभी विभिन्न मांगों को लेकर हर विधानसभा में आमजन से मिल रहे हैं। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग ज्ञापन दिया। सरकार से कहा, ये पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, बार बार हो रही है, इसमें जब तक बड़ी मछलियां अंदर नहीं आएंगी, ये मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक ये घटनाएं रुकेंगे नहीं। सरकार जब एक खून करने पे फांसी तक की सजा दे देती है, तो ये तो लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं ये पेपर लुटेरे। ऐसों को एनकाउंटर से उड़ा दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को, तब जाकर के ये घटनाएं रुकेंगी। मैंने सरकार से मांग की भर्ती कैलेंडर जारी करें कि कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब ज्वाइनिंग मिलेगी, वरना भटकता रहता है छात्र साल दर साल, उसको पता ही नहीं होता है। सरकार तुरंत 5 लाख भर्ती अनाउंस करे जल्दी, और उसके लिए बताए सरकार कि कब तक उसकी प्रक्रिया पूरी कर लेगी। हमने सरकार से कहा कि किसान है, उसके खेत को पानी मिल जाए, उसे बिजली मिल जाए पूरी, तो किसान पूरे देश को आबाद कर दे, मेरा राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को अन्न खिला सकता है। ऐसे ही मजदूर है, मजदूर को अगर पूरी मजदूरी मिल जाए तो वो बेचारा उन्नत देश को करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। बहुत सारे कर्मचारी हैं, जैसे थर्ड ग्रेड टीचर हैं, वो ट्रांसफर की मांग करें, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। CHA वाले हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कंप्यूटर नहीं दे सके, उनकी सुनवाई नहीं है। मैंने सरकार से कहा कि थोड़ा भर्ती प्रक्रिया है, इसमें चेंज करें। कॉन्स्टेबल की भर्ती होती है, तो कॉन्स्टेबल की भर्ती में क्या होता है, पर्चा उसको IAS के जैसा पकड़ा दिया जाता है। अरे कॉन्स्टेबल बलिष्ठ होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, जो गुंडे से लड़ सके, उसको IAS जैसा पेपर दे रहे हो, वो सोल्व करेगा नहीं, और जो पेपर चुरा के लाएगा वो पेपर लुटेरा भर्ती हो जाएगा, और फिर वो क्या गुल खिलाएगा आप सब जानते हो। रीट का एग्जाम होगा तो उसको IAS जैसा पेपर पकड़ा देंगे, और वो सेलेक्ट कौन होगा, जो पेपर चुरा के लाएगा। अभी मैं पीछे साचौर में गया था, तो मुझे वहां पे बताया कि 2 ट्रक चलाने वाले ट्रक ड्राइवर सेकंड ग्रेड के टीचर भर्ती हो गए, जो जानते ही नहीं थे, लेकिन पेपर लिया है और पेपर लाके सेलेक्ट हो गए। कोई कांस्टेबल भर्ती हो गया, जो कोई पढ़े ही नहीं रहा है, आवारा डोल रहा है, शराबी है, लेकिन जमीन बेची और पेपर खरीद लाया, पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो गया, और पढ़ने वाला बच्चा बेचारा देखता रहेगा। ऐसे ही भीनमाल में मुझे बताया। तो ये हालात हो रहे हैं, सरकार को इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना तो ये मान के चलो कि एक बैरोड के जो ये हमारे राजस्थान है, बैरोड से लेके राजस्थान तक पूरे के पूरे में मैं घूम रहा हूँ, पूरे के पूरे में, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैंने ये गुस्सा देखा है युवाओं का, देखा है उनकी निराशा, देखी है उनका अविश्वास, देखा है कि बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और जिस दिन जवान सड़क पे आ गया, उस दिन ये समझना क्रांति का जन्म होता है। इसलिए मैं समझता हूँ सरकार जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, हमारी मांगों को पूरा करेगी, और इसी के लिए मैं निकला हूँ। 200 की 200 विधानसभा पे काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा, और सरकार को हम पे भी तरस आए कि हमारा MLA धूल फांकता हुआ पूरे राजस्थान में घूम रहा है, दौड़ रहा है, तो शायद सरकार हमारी मांगों को सीरियस ले।